हाय, आई एम दिव्या भटनागर। एक्टिंग का शौक एक्चुअली नहीं था, डांसिंग में थी मैं, डांसिंग और पेंटिंग। तो एक्टिंग मैंने थिएटर किया था, अपने कॉलेज से स्टार्ट किया था, नॉर्मल ऐसी थिएटर। तो जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के कुछ डायरेक्टर्स मतलब वहाँ आते थे प्ले डायरेक्ट करने के लिए, तो उन्होंने मेरी एक्टिंग देखी। और एक नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का बहुत बड़ा प्ले बाहर जा रहा था ऑल ओवर इंडिया के लिए, तो उसके लिए उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया। जबकि मेरी मॉम को ऑब्जेक्शन भी था क्योंकि मैं कभी बाहर गई नहीं थी। मैं दिल्ली से स्टार्ट हुआ और फिर एक डीडी का शो किया, वो भी ऐसे ही नॉर्मली। तो वहाँ के जो डायरेक्टर थे उन्होंने मेरे पेरेंट्स को बोला कि आप प्लीज़ एक बार इसको मुंबई लेके जाइएगा। मेरी मम्मा का रिएक्शन मतलब नहीं नहीं हम लोगों ने तो कभी सोचा नहीं और इसको भी कोई ऐसा वो नहीं है। तो मैं सिर्फ 3 मंथ्स के लिए, फिर भी हम लोग पूरी फैमिली, मॉम डैड सब लोग आए और बॉम्बे आई मैं 3 महीने का टारगेट लेके। और फिर जब मेरी जाने की तैयारी थी बॉम्बे से कि चलो 3 महीने में कुछ नहीं हुआ, और उसी 2 दिन पहले मुझे शो के लिए कॉल आया। एंड टीवी इमेजिन का शो था चांद के पार चलो, फर्स्ट शो मेरा। और एक और शो कर रही थी मैं, रहे तेरा आशीर्वाद, लेकिन मेन मेरा चांद के पार चलो था, वो मेरी स्टार्टिंग थी। मैंने ये रिश्ता क्या कहलाता है किया, मतलब फर्स्ट जहाँ से मुझे लोगों ने जाना उसमें मैं गुलाबों का कैरेक्टर प्ले कर रही थी। फिर फाइनली मुझे प्रीतो मिला, प्रीतो में 5 बहनों की कहानी थी और उसमें मैं सबसे बड़ी बहन प्ले कर रही थी। और उसके बाद संस्कार, उसमें मैं टोटली नेगेटिव थी, तो डिफरेंट शेड्स। संस्कार मेरा लास्ट शो था। मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन मुंबई, क्योंकि ये मेरी कर्म भूमि है। मुंबई में मैं एक्चुअली लोखंडवाला रहती हूँ, तो मेरी फेवरेट जगह, कभी भी मैं पहले भी कभी मैं डिप्रेस होती थी या कुछ होता था तो लोखंडवाला मार्केट में ऐसे विंडो शॉपिंग कर ली। मुंबई में खाना मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट वैसे तो ढाबा, द ढाबा, अरवन तड़का, और अगर नॉनवेज खाना हो तो फूड इन, मम्मी के हाथ के राजमा चावल। और नॉनवेज अगर मैं, वैसे नॉनवेज में अगर मैं खाती हूँ तो तंदूरी बस, और मम्मी के हाथ का खाना पसंद है। मेरे ऐसे बहुत सारे मतलब फैंस हैं और अब वो मेरे अच्छे दोस्त भी हैं उनमें से कुछ। तो अभी रिसेंटली मेरी एक फ़ैन थी जो भी मेरी फ्रेंड कह सकते हैं और उसकी फैमिली से भी मिली, वो पाकिस्तान से आई है। वो मेरे लिए पाकिस्तान से गिफ्ट्स लेके आई है, मतलब उसको लिटरली मैंने अपने माथे के लगाया और मैंने चूमा कि आई एम सो, मतलब मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे वहाँ का वो सब नसीब हुआ है। फैंस के लिए यही मैसेज है कि ऐसे ही प्यार देते रहिए, क्योंकि आपके प्यार से हम हैं। अगर आप प्यार नहीं देंगे तो हम कुछ भी नहीं है।